सभी को नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चली होगी। और जैसा कि हम लोग विशेषण और विशेष्य देख रहे थे, विशेषण विशेष्य में हम लोगों ने विशेषण की परिभाषा देखी, ठीक है। हम लोग विशेषण और विशेष्य देख रहे थे और इसमें हम लोगों ने विशेषण की परिभाषा देखी कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट करता हो वो विशेषण कहलाता है। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता को प्रकट करता है वह विशेषण कहलाता है। इसके बाद हम लोगों ने विशेषण के उदाहरण देखे, जैसे रमेश अच्छा लड़का है, इसमें अच्छा विशेषण हो गया। शीला बुद्धिमान है, इसमें बुद्धिमान हो गया। और वह लंबा लड़का है, इसमें लंबा विशेषण हो गया। फिर हम लोगों ने विशेषण के भेद देखे और विशेषण के भेद को गुण, संख्या और परिणाम के आधार पर चार प्रकार से हम लोगों ने इसे बांटा। तो गुण, संख्या और परिणाम के आधार पर विशेषण चार प्रकार के होते हैं, हम लोगों ने इसे देखा। तो हम लोग जैसा कि निजवाचक सर्वनाम देख रहे थे, ठीक है, निजवाचक। अब इसमें एक चीज़ आप लोगों को ये ध्यान रखनी होगी कि जहाँ पर आप, ठीक है, जहाँ पर आप कर्ता के रूप में जो है अगर प्रयोग होता है, जिस भी वाक्य में आप कर्ता के रूप में प्रयोग होता है वहाँ पुरुषवाचक होता है, ठीक है। परंतु जब वह स्वयं कार्य नहीं करता किंतु अपने विषय में कुछ संकेत करता हो, यानी कि आप स्वयं कार्य न करके कुछ अन्य विषय में संकेत करता हो, ठीक है, तो जो है कि यह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और यह केवल आपके संदर्भ में है, आप शब्द के संदर्भ में है, ठीक है। अन्यथा अपने, आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, इन सब चीज़ों के लिए नहीं, यह केवल आपके ऊपर लागू होता है। तो विषय के, अन्य विषय के संबंध में अगर संकेत देता है तो वह निजवाचक होगा, लेकिन अगर आपको कर्ता के रूप में अगर प्रयोग किया जाए तो वह जो है पुरुषवाचक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पुरुषवाचक और निजवाचक दो प्रकार के हम लोगों ने सर्वनामिक विशेषण को देखा था। अगर इसका उदाहरण लिया जाए तो आपका, अगर उदाहरण लेते हैं तो आप चिंता मत करो, उदाहरण अगर लेते हैं, ठीक है, तो आप चिंता मत करो। अब इसमें जो है आपको लिया गया है तो इसमें पुरुषवाचक होगा या निजवाचक होगा, तो ये डायरेक्ट आपसे ही कहा जा रहा है कि आप चिंता मत करो, ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका पुरुषवाचक, कर्ता के रूप में प्रयोग है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आपसे ही यह बात कही जा रही है और यह कर्ता के रूप में प्रयोग है, तो आप चिंता मत करो। और इसी तरह से अगर निजवाचक का अगर हम एक उदाहरण लें तो निजवाचक के उदाहरण में आ जाता है, आप भला तो सब भला। तो जग भला, ठीक है। अब इसमें किसी बात की ओर संकेत किया जा रहा है तो यहाँ आप जो है निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर कर्ता के रूप में आपका प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पर निजवाचक होगा, लेकिन अगर किसी विषय के ओर संकेत कर रहा हो तो वह जो है आपका निजवाचक हो जाएगा। अब इसी में मैं स्वयं अस्पताल चला जाऊंगा तो यह होगा निजवाचक संख्या। आगे चलते हैं, चलिए तो आगे चलते हैं। तो सर्वनामिक विशेषण को ही हम जो है एक और आधार पर डिवाइड करते हैं,
तो सर्वनामिक विशेषण को व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, तो सर्वनामिक विशेषण को व्युत्पत्ति के आधार पर दो भाग में डिवाइड करते हैं, मौलिक और यौगिक सर्वनामिक विशेषण। अब एक एक करके इसकी विशेषता को हम लोग समझते हैं कि मौलिक और यौगिक सर्वनामिक विशेषण की क्या विशेषता होती है। चलिए, तो मौलिक की बात अगर हम करें तो मौलिक में मूल रूप से हिंदी के 11 सर्वनाम जब बिना किसी रूपांतर के, ठीक है, तो मूल रूप से हिंदी के 11 टोटल 11 11 सर्वनाम, ठीक है, जब बिना किसी रूपांतर के संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता को बताते हैं, यानी कि संज्ञा के पहले मतलब संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हो, ठीक है, संज्ञा से पहले आते हों और संज्ञा की विशेषता को बताते हों, तो ऐसे विशेषण मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर, तो इसमें यह जो है मौलिक सर्वनामिक विशेषण आएगा। वह व्यक्ति, इसमें वह हो जाएगा। कोई आदमी, तो इसमें कोई हो जाएगा। तो इस तरह से इसे मौलिक विशेषण को हम लोग देखते हैं। अब आते हैं यौगिक विशेषण की बात करें, तो देखिए यौगिक विशेषण में जो सर्वनाम मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाकर बनते हैं और संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण की तरह व्यवहार करते हैं, वे यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। एक बार फिर से कि जो सर्वनाम मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, ठीक है, तो मूल सर्वनाम में प्रत्यय के रूप में प्रयोग होते हैं। प्रत्यय और उपसर्ग आप लोगों ने पढ़ा हो, नहीं पढ़े होंगे तो आप चैनल से बने रहें, सारा आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रत्यय मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर बनते हो, और संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर विशेषण की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है, संज्ञा से पहले आते हों, ये एक दूसरा पॉइंट हो गया, और तीसरा पॉइंट है कि संज्ञा से पहले आकर विशेषण की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है, विशेषण की तरह व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से इसमें तीन पॉइंट हमारे हम लोगों ने निकाला कि यौगिक सर्वनामिक विशेषण में यह प्रत्यय लगाकर बनते हैं, दूसरा संज्ञा से पहले आते हैं, और तीसरा विशेषण की तरह यह व्यवहार करते हैं, तो मौल यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण अगर हम लोग लें तो उदाहरण में ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति में ऐसा जो है कि यौगिक हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति कैसा घर, जैसा देश, ठीक है, इसमें जैसा हो जाएगा, इसमें कैसा हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसा व्यक्ति में ऐसा, कैसा घर में कैसा, जैसा देश में जैसा, तो यौगिक बनते हैं, तो उसे हम यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है, या कहते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, गुणवाचक विशेषण की विशेषता क्या होती है, या कितने प्रकार के होते हैं।
फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे संख्यावाचक विशेषण में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।